तो मैं, आप मेरे से 2 दिन पहले भी पूछोगे सर कुछ ऐसा बताओ पासिंग मार्क्स, मैं 2 दिन पहले भी बता दूंगा ये कर लो और पास हो जाओगे। और ये जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाया है वो पूरे मार्क्स के लिए बनाया है, आराम से आपके 80-90%। हेलो एवरीवन, तो आज जो आपके सामने मैंने कुछ इंडेक्स बनाया है, आज मेन वीडियो बनाने का, काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर एक बीकॉम ऑनर्स के 20 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के, बहुत कम टाइम बचा है एग्ज़ाम का, कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी प्लान बताओ कि हम करके इसको इजीली पास आउट हो जाए। बच्चों ने कहा कि इजीली पास आउट हो जाए। मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था एग्ज़ाम से रिलेटेड ही, मैंने 3-4 दिन पूरा रिसर्च किया और जितना भी मेरे पास एक्सपीरियंस है 10 से 12 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उन सभी को देखते हुए एनालिसिस करके मैंने स्ट्रेटेजी जब बनाया तो मैं ये देखा मैंने कि आप 20 दिन के अंदर पास नहीं हो सकते, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो लेकिन स्ट्रेटेजी सही से फॉलो करना पड़ेगा। और जो स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा इसके अंदर आप डेफिनेटली 10 ईयर लेना उठाना और आपके 5 क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में और पाँचों के पाँचों क्वेश्चन आपके 100% अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो 20 दिन के अंदर जो बच्चा बोलता है हमें सिर्फ पास होना है तो वो बहुत अच्छे नंबर ला सकता है, लेकिन बशर्ते स्ट्रेटेजी फॉलो करना पड़ेगा। तो सर बीकॉम ऑनर्स के लिए है स्पेशली, तो बीकॉम ऑनर्स में कौन कौन से चैप्टर करने चाहिए और किस तरीके से करने चाहिए वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखो हमारा चैप्टर है कॉस्ट शीट और एक है हमारा कॉस्ट रिकन्सलेशन। मैं हर बच्चों को कहूँगा ये दोनों चैप्टर साथ में करना। और मैंने जो बच्चे ऑलरेडी मेरे से क्लासेस ले रहे हैं एप्लीकेशन पे और जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, दोनों के लिए क्लासेस देखिए जो एप्लीकेशन पे ले रहे हैं बच्चे। एप्लीकेशन के अंदर मैं उनके लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है रेगुलर बेसिस पे कोर्स बाय कर रहे हैं और उनका एक ही कंसर्न है कि सर जल्दी से जल्दी बताएं कि हमारा सिलेबस अच्छे से हो जाए प्लान से, तो मैं इस कॉस्ट शीट के अंदर देखिए वैसे मैंने करवाया मान लेते हैं 20 क्वेश्चन, लेकिन जब स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ 20 क्वेश्चन स्टार्टिंग मतलब जब शुरू से पढ़ रहे थे बच्चे तो 20 करना ऑब्वियस सी बात है बनता भी है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन अभी 20 क्वेश्चन नहीं करेंगे ना कॉस्ट शीट में। तो आपका हर एक चैप्टर में से कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करवाए गए हैं, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन मैंने करवाए कि 5 से 6 मैक्सिमम 7 क्लासेस 7 घंटे एक चैप्टर के लिए मैक्सिमम 7 क्लासेस आप देखोगे पूरा चैप्टर अच्छे से कवर, ज़्यादा नहीं देखना। उसके लिए मैंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया है, मान लेते हैं कि जब आप एप्लीकेशन पे जाते हो तो एप्लीकेशन के अंदर आपने क्या देखा कि कॉस्ट शीट की 10 क्लासेस है, तो मैं क्या करूँगा जैसे ही कॉस्ट शीट की 10 क्लासेस है तो उस 10 क्लासेस के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्लासेस है उस पर मैं स्टार लगा दूंगा, जिससे कि क्या है आप वो वाली क्लासेस बिल्कुल भी ना देखें जिसके ऊपर स्टार नहीं लगा हुआ। हाँ, अगर आपको प्रैक्टिस पर्पज से और नॉलेज गेन करना है तो डेफिनेटली पूरा देखेंगे आप, लेकिन मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिलेबस बता रहा हूँ, ध्यान रखिए। तो सबसे पहले तो कॉस्ट और कॉस्ट रिकन्सिलेशन करेंगे सभी बच्चे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। सर ये जब भी क्वेश्चन पेपर आप देखोगे ना तो ये क्वेश्चन नंबर 4 या 5 होगा आपके एग्जाम में डेफिनेटली हमेशा। कॉस्ट और कॉस्ट रिकन्सिलेशन अलग अलग चैप्टर है, 10 ईयर उठाएं शिवदास का 10 ईयर लें आप, उसमें चैप्टर वाइज गिवन है और 10 ईयर उठा के सीधा इसके वीडियो को देखा और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लग जाए, 2-2, 4-4 करोगे बिल्कुल आप परफेक्ट हो जाओगे इसमें। कॉस्ट और साथ के साथ कॉस्ट रिकन्सिलेशन ये दोनों एक साथ करना, क्योंकि इन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन बनेगा आपका 15 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया आपका। मटीरियल चैप्टर जरूर जरूर करें और इसको करने के लिए आपको मुश्किल से 3 दिन लगेंगे। देखो इसको करने के लिए आप दोनों चैप्टर करते हो तो मुश्किल से 3 दिन और 3 दिन इसमें मान लो, बहुत ज़्यादा टाइम बता रहा हूँ मैं 3 दिन, वैसे 2 दिन में भी कर सकते हो, 6 दिन हो गए हमारे पास 20 दिन है, तो 3 दिन और 3 दिन ये आपके एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आएगा हमेशा। तो मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से कवर हो जाता है हमारा, बहुत सिंपल चैप्टर है, क्या क्या टॉपिक करना है इसके लिए भी वही स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगा। एक बार ओरली भी मैं बता देता हूं, सर कॉस्ट शीट में क्या पढ़ना है, कॉस्ट शीट में जो परसेंटेज वाला होता है ना कि इतने परसेंट पे हमने प्रोडक्ट सोल्ड आउट किया वो पढ़ना है हमें। रिकन्सिलेशन में क्या पढ़ना है, रिकन्सिलेशन में जिसके अंदर हमें कॉस्ट शीट भी बनाने को बोला जाए और P&L भी बनाने को बोला जाए उसके बाद रिकन्सिलेशन बोला जाता है वो पढ़ना है,
वही एग्जाम में पूछा जाएगा। सर मटेरियल में क्या पढ़ना है, लेवल ऑफ इन्वेंट्री पढ़ना है और लीफो फीफो पढ़ना है जो पूछा जाएगा। इसमें से थ्योरी भी पूछा जाएगा, क्या थ्योरी पूछा जाएगा, आपका बिन कार्ड और आपका स्टोर लेजर क्या होता है, एबीसी एनालिसिस क्या होता है, तीन थ्योरी है। तो मैं थ्योरी के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी थ्योरी मैं लिख दूंगा और आपको बता दूंगा कि ये थ्योरी नोट कर ले, उसी में से पेपर आएगा। तो थ्योरी नहीं, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये करोगे तो पूरा हो जाएगा। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट और प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट करोगे, कॉन्ट्रैक्ट अगर आप अच्छे से जेन्युइनली करते हो तो दो दिन में खत्म, प्रोसेस करते हो थोड़ा लेंथी चैप्टर है, तीन दिन में खत्म, ठीक है। तो देखिए तीन दिन इसमें लगने हैं, दो दिन इसमें लगने हैं और दो दिन इसमें लगने हैं इसमें, तो टोटल डेज काउंट करोगे, तीन और तीन छः, दो आठ और तीन ग्यारह, और ये चैप्टर करते हो तो तीन दिन ये लग जाएंगे आपके, आठ और तीन ग्यारह और तीन चौदह, और दो दिन में ये खत्म हो जाएंगे। तो आप तो बीस दिन पहले टेंशन ले रहे थे और ये चैप्टर कर लोगे तो यकीन कर लेना आप बिलीव करना उस बात का कि आपके पांचों क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट होंगे। आपके मन में कुछ चैप्टर ऐसे हो रहा है, सर हमारा सिलेबस तो बहुत सारा है, लेबर भी है सर आपने कुछ बताई नहीं, जॉब बैच कॉस्टिंग है आपने कुछ बताई नहीं, सिंगल आउटपुट है कुछ आपने बताई नहीं, एबीसी एनालिसिस है आपने बताई नहीं, इंटीग्रेशन है आपने बताई नहीं, तो बहुत सारे चैप्टर तो आपने बताए नहीं। तो मैं सारी चीज़ों को बहुत एनालिसिस करने के बाद, एक्सपीरियंस के बाद बोल रहा हूँ, सिर्फ ये चैप्टर करें 20 दिन वाले बच्चे। जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं वो तो नॉर्मल उनको पता ही है, लेकिन जो 20 दिन वाले बच्चे हैं सिर्फ ये चैप्टर करके जाएं। और इसको भी करने का तरीका क्या है, जो मैंने टाइम बताया मैंने एप्लीकेशन के अंदर डाल दिया है कि जो कुछ हर किसी के मैंने साथ साथ क्लासेस इस कस्टमाइज करके बनाया है कि पहले दो क्लासेस में पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट खत्म और बाकी के दो से तीन क्लासेस क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया, चैप्टर खत्म। तो मान लो पाँच घंटे, पाँच घंटे इसलिए लिया मैंने यहाँ पर तीन दिन, तीन दिन का मतलब अगर यहाँ पाँच घंटे, यहाँ पाँच घंटे, तो एक घंटे में तो दो से ढाई घंटे आपको पढ़ने पड़ेंगे, अब इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ढाई ढाई घंटे भी पढ़ोगे तो तीन दिन में आराम से सारे लेक्चर आप कवर कर लोगे, ढाई अगर दो घंटे भी पढ़ते हो तो तीन दिन में आपके हो जाते हैं छः घंटे, और छः घंटे का मतलब एक लेक्चर ना मेरा एक घंटे से ऊपर का नहीं होता, जल्दी एक घंटे से कम का होता था, तो छः क्लासेस खत्म हो रही है, तो छः क्लासेस में मैंने पहले ही बोला आपको। तो बस मैं आपको यही बताना था, बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, 20 दिन बचाए, 20 दिन में आप अच्छे से तैयारी करो। मैंने सारे चैप्टर्स बता दिए, सिर्फ ये चैप्टर करके जाए 100% पास होंगे। थ्योरी के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसको आपको याद करना है। पढ़ाई के लिए आपको बुक्स नहीं प्रेफर करना, अभी 10 ईयर खरीदिए और 10 ईयर में से पढ़ना है, स्मार्टली पढ़ना है, पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। तो बस आपको यही बताना था, तो होप आपको अच्छा लगेगा। कमेंट करके यूट्यूब पर जो बच्चे देख रहे हैं कमेंट करके बताएं, और अगर कुछ भी कमी लगती है आपको सर इस टॉपिक के रिलेटेड तो उस टॉपिक पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। बाकी सारी क्लासेस जो यूट्यूब पे है मैं सीक्वेंस से पहले ऑलरेडी मैं डाल रहा हूँ, तो देखिए आप वहाँ जाके देखेंगे। कॉस्ट शीट आप फ्री में कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं देना, कॉस्ट शीट डाल दिया है, कॉस्ट रिकंसिलेशन डाल दिया, मटेरियल डाल चुका हूँ, प्लेलिस्ट भी मैंने आप लोगों के कहने पे बना दिया है, कॉन्ट्रैक्ट भी डाल चुका हूँ, प्रोसेस अंडरगोइंग है, और एग्जाम से पहले पहले ये सारे चैप्टर मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा। लेकिन बस यूट्यूब पे ये फ़र्क रहेगा, वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं एप्लीकेशन पे मार्क करूंगा और इसका भी कोई सोल्यूशन निकालूंगा कि सभी बच्चों को एकदम से पता चल पाए। तो बस यही बताना था। तो बीकॉम ऑनर्स की क्लासेस और आप अच्छे से करो, और आप 100% मार्क्स का सोच के चलो, पासिंग मार्क्स का मत सोचो। पासिंग मार्क्स अगर आप पूछते तो मैं, आप मेरे से दो दिन पहले भी पूछोगे सर कुछ ऐसा बताओ पासिंग मार्क्स, मैं दो दिन पहले भी बता दूंगा ये कर लो और पास हो जाओगे। और ये जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाया है वो पूरे मार्क्स के लिए बनाया है, आराम से आपके 80-90% आराम से आएंगे। तो बस यही बताना था, होपफुली आपको सबको समझ में आएगा, आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।